नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन विधि विधान से पूजन करने और दान पुण्य करने से जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी कार्य रुके होते हैं वो सभी पूरे होते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि इस दिन दान पुण्य करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन तिल स्नान को अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल स्नान करने वाला मनुष्य 7 जन्म तक आरोग्यता को प्राप्त करता है, साथ ही वह रूपवान होता है, उसे किसी भी रोग का भय नहीं होता। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन कंबल, गर्म वस्त्र, घी, गुड़, चावल, खिचड़ी, तिल आदि का दान किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किए गए दान का 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों इस दिन तिल के लड्डुओं के साथ हरी मूंग और चावल की खिचड़ी का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम अनजाने में कुछ ऐसी वस्तु का दान करते हैं जो हमारे लिए फलदायी नहीं होता। अगर आप अनजाने में भी कुछ ऐसी वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास होगा, माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी, साथ ही शनि ग्रह का प्रकोप होगा जिससे आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिनका दान आपको नहीं करना है। वास्तु शास्त्र में झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से बताया गया है। वास्तु शास्त्र में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो झाड़ू संबंधित है। झाड़ू को कब खरीदना है, कब फेंकना है, कब निकालना है, किस स्थान पर रखना है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप मकर संक्रांति के दिन झाड़ू का दान करते हैं तो इससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है। झाड़ू के साथ ही माता लक्ष्मी भी आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं। घर में दरिद्रता का निवास होता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन मांस मदिरा आदि का सेवन आप ना करें। जो भी तामसिक चीजें हैं उनका उपयोग आपको नहीं करना है और साथ ही ना ही किसी को दान में देना है। जिन वस्त्रों का आपने उपयोग किया है उन वस्त्रों को आप किसी को भी दान में ना दें। ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। इसके साथ ही कोई भी वस्तु जिसे आप स्वयं यूज नहीं कर सकते उन वस्तुओं का दान करना अशुभ फलदायी होता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मकर संक्रांति के दिन आपको किन किन वस्तुओं का दान नहीं करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।